आज के इस वीडियो में मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। नए कलाकार अक्सर कुछ सवाल करते हैं, या वो कलाकार जो मुंबई इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते वो भी कुछ सवाल अक्सर पूछते हैं। तो इन सवालों के ऊपर या इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आगे बनाएंगे, लेकिन अभी मैं उन सवालों के जवाब देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा आइडिया क्लियर। सबसे पहला सवाल जो कलाकार पूछते हैं वो ये कि मुंबई में ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ऐसी कोई फिक्स लोकेशन या फिक्स जगह नहीं है जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके अपने स्टूडियोज होते हैं, अपने ऑडिशन रूम्स होते हैं, वो अपने ऑफिस में ही ऑडिशन करते हैं। और जो छोटे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनके पास अपने स्टूडियोज नहीं हैं या उतना स्पेस नहीं है जहां वो ऑडिशन ले सकें, तो जब उन्हें ऑडिशन करना होता है तो वो स्टूडियोज या रिहर्सल हॉल, डांस हॉल्स हायर करते हैं और वहां पे वो लोग ऑडिशन करते हैं। तो मतलब के कहने का मतलब ये कि कोई फिक्स एरिया नहीं है, फिक्स लोकेशन नहीं जहां पे ऑडिशंस होते हैं। ऑडिशंस नॉर्मल प्रोडक्शन हाउसेस में या जो छोटे ऑडिशन स्टूडियोज हैं वहां पर होते हैं। दूसरा सवाल जो आता है वो ये कि मुंबई में प्रोडक्शन हाउसेस कहां पर है और स्टूडियोज कहां पर है। तो इसका भी वही जवाब है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहां पे प्रोडक्शन हाउसेस हैं या जहां पे स्टूडियोज हैं। अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सबने अपने प्रोडक्शन हाउसेस ऑफिस बनाए हुए हैं, स्टूडियोज बनाए हुए हैं, और उन सबकी जानकारी आपको इस फिल्म डायरेक्टरी में मिल सकती है, कौन से ऑफिस, कौन से स्टूडियोज कहाँ पे है। अब इसके बाद तीसरा सवाल नॉर्मली ये आता है कि हमें ऑडिशंस के लिए इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जब आप मुंबई आते हैं, काम ढूंढना शुरू करते हैं, अपने फोटोज मेल करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उसके बाद फिर आपको ऑडिशंस के लिए कॉल आना शुरू होता है। वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपको शामिल होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर इन द सिस्टम यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। तो आपको इस सिस्टम में आना पड़ेगा, इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जब अपना आप लोग अपना प्रोफाइल, अपने फोटोग्राफ्स, अपने वीडियो शो रील्स प्रोडक्शन हाउसेस में, कास्टिंग एजेंसीज में मेल करेंगे, उसके बाद जब उनको आपकी रिक्वायरमेंट होगी या आपके जैसे कैरेक्टर की, आपके जैसे लुक वाले किसी आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो लोग फिर आपको ऑडिशंस के लिए कॉल करेंगे, आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो वो उस प्रोसेस में आपको आना पड़ेगा। अब इसके बाद जो सवाल अक्सर आता है सामने वो ये कि ये जो ईमेल एड्रेसेस हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, ये हमें कहाँ से। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई जब तक आपके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो आप कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि वो ये जो डायरेक्टरी है इसमें सारे आपको इंडस्ट्री के जेन्युइन कॉन्टेक्ट्स, प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, कास्टिंग एजेंसीज के, वो इसमें मिलेंगे। उसके बाद जब आप प्रोडक्शन हाउसेस में जाते हैं तो हर प्रोडक्शन हाउस के रिसेप्शन पे उनका कास्टिंग के लिए ईमेल आईडी लिखा होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रोडक्शन हाउस में जाके ऑडिशन देते हैं, तो तरीका यह है कि आप प्रोडक्शन हाउस में जाइए, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलिए, आपका कोई लुक है, अपने लुक के हिसाब से उसे पूछिए कि मेरे लायक कुछ काम है। अगर आपके लायक कुछ होगा तो वो आपका ऑडिशन लेगा, नहीं अगर आपके लायक कुछ है तो फिर वो आपको बोलेगा कि भाई ये हमारा ईमेल आईडी है कास्टिंग का, आप इस पर अपना फोटो मेल कर दीजिए, तो अगर आपके लायक कुछ निकलेगा तो हम बताएंगे। तो नॉर्मल जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन हाउसेस का ही है। और हर प्रोडक्शन हाउस के रिसेप्शन पे उनका जो कास्टिंग के लिए ईमेल आईडी होता है वो लिखा होता है। तो जब भी आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाएं मिलने के लिए और अगर आपको ऑडिशन नहीं हो पाता है, तो ये एक हैबिट में डाल लीजिए कि उनका कास्टिंग के लिए जो ईमेल आईडी है वो लीजिए, और शाम को आके जितने भी ईमेल आईडीज आपने कलेक्ट किए हैं, आप नोट डाउन किए हैं, उन सब के ऊपर अपना प्रोफाइल मेल कीजिए।
इसी तरह से जब आप स्टूडियोज में या कहीं ऑडिशंस होते हैं, वहाँ पे जब ऑडिशंस के लिए जब जाएंगे तो हर स्टूडियो के बाहर उनका कास्टिंग के लिए ईमेल आईडी लिखा होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को, किसी भी कास्टिंग एजेंसीज को आप फोन करके उनका ईमेल आईडी ले सकते हैं। सब लोग अपना ईमेल आईडी देते हैं कास्टिंग के लिए। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके पास किसी कास्टिंग एजेंट का या कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर है तो आप उसको फ़ोन करके कह सकते हैं कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम करना है आपके साथ और आप अपना ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए, तो वो लोग देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल ये भी आता है कि ऑडिशन में क्या होता है, ऑडिशन कैसे दिया जाता है। जो मुंबई इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का नॉर्मल एक प्रोसेस है ऑडिशंस का, उसमें पहले आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है, उनका नाम, नंबर, एज, हाइट और वर्क प्रोफाइल, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ये दिया जाता है। उसके बाद जो कास्टिंग वालों की, कास्टिंग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो अपने हिसाब से या तो कोई स्क्रिप्ट देते हैं तो वो स्क्रिप्ट को याद करके उसे परफॉर्म करके दिखाना होता है, या फिर वो लोग कोई सिचुएशन देते हैं। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है कि सपोज आपकी लॉटरी लग गई, आपकी चोरी हो गई, या आपका किसी से झगड़ा हो गया, या किसी दोस्त के साथ बातचीत है, उस सिचुएशन में आपको एक्ट करके दिखाना है। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं, आप अपना कुछ जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो आप परफॉर्म करके दिखाएंगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिया जाता है, आपका नाम, नंबर, एज, प्रोफाइल, उतना इंट्रोडक्शन में ही वो, आप जब इंट्रोडक्शन देंगे तो आपके बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि नहीं, एज एन एक्टर आपकी क्या कैपेसिटी है, तो आइडिया लगा लेते हैं। तो कई बार सिर्फ इंट्रोडक्शन भी देना पड़ता है। तो एज एन एक्टर, एक तो यह है कि हमें इतनी हमारे अंदर समझ होनी चाहिए कि हम स्क्रिप्ट को पढ़ के उसे परफॉर्म कर सकें। दूसरा, अगर हमें कोई सिचुएशन दे तो उस सिचुएशन को इम्प्रोवाइज करके अपने हिसाब से उसको परफॉर्म कर सकें। और अगर हमें यह कहा जाए कि नहीं, आप अपने हिसाब से कुछ परफॉर्म कीजिए, तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हमें बोला गया और हमने कुछ भी ऐसा परफॉर्म करके दिखाया कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। होता क्या है कई बार कि एक्टर को बोला जाता है कि नहीं आप अपना कुछ करके दिखाओ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नए आर्टिस्ट खासकर कंफ्यूज हो जाते हैं। होता है मेरे साथ भी। मेरे पास अभी एक दो दिन पहले एक लड़का आया था और काफ़ी, मतलब बड़ी बड़ी बात कि सर मैं ट्राई करने आया हूँ बॉम्बे में, और मैंने कहा कुछ सीखा है? नहीं सर, सीखा नहीं है, बट मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग स्कूल में ज़्यादा इतना, मतलब इतनी एक्सपेंसिव फीस देके कोई फ़ायदा है, मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा और मैं जस्ट आई वॉन्ट टू टेस्ट माई सेल्फ। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो मैंने कहा और कहाँ, कहीं क्यों टेस्ट करते हो, यहाँ कैमरा भी लगा, लाइट भी लगी, यहीं पर टेस्ट कर लेते हैं, दिखाओ कुछ करके। सर क्या करके दिखाओ? मैंने कुछ भी जो तुम कर सकते हो करके करके दिखाओ मुझे। सर आप कुछ लाइन दे दीजिए मुझे। तो मैंने कहा नहीं, मैं समझ गया, अभी यहाँ मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें लाइन दूंगा तो फिर तुम्हें लाइन समझ में नहीं आएगी, फिर तुम बोलोगे कि मुझे करके दिखाओ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमें ये बोला जाए कि आप अपनी तरफ से कुछ करके दिखाओ, तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम करके दिखा सकें। कॉमेडी, ट्रेजेडी, इमोशन, ड्रामा, कुछ चार पांच मोनोलॉग या चार पांच सिचुएशन हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो हम करके दिखा सकें।